हाय नमस्ते फ्रेंड, मैं ममता, ममता क्रिएशन एंड ब्लॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं बनाऊंगी पोहा। पोहा रेसिपी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है और अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तरीका क्या है और आप बनाएंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट और जल्दी बन जाएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलते हैं पोहा बनाने। चलिए, मैं पोहा 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं 4 कप पोहा लूँगी। आप पोहा या चूड़ा भी बोल सकते हैं। मैंने एक बाउल में पोहा ले लिया है, इसको अच्छे से धोएंगे, 2-3 बार हम धोएंगे और उसी समय हम पानी को निकाल लेंगे। पानी उसमें हम बचने नहीं देंगे। ये देखिए, मैंने पोहा धो लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे हाथ की मदद से, अच्छे से मिला लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे। अब मैं पोहा बनाने की तैयारी करूँगी। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें कोई भी तेल डालेंगे, मैंने सरसों का तेल डाला है। प्याज लेंगे, टमाटर लेंगे, मूंगफली लेंगे, फिर मटर लेंगे, आलू लेंगे और हरा मिर्ची लेंगे। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले मूंगफली डालेंगे, उसको अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। कम फ्लेम में फ्राई करेंगे, हमारा कलर आने तक फ्राई हम करते रहेंगे। मूंगफली फ्राई हो चुका है, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने मूंगफली फ्राई कर लिया है, अब मैं तड़का लगाने की तैयारी करूंगी। सबसे पहले मैं सरसों का तेल डालूंगी, 4 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं सरसों का तेल खाती हूँ, इसलिए मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा जीरा डालूंगी, 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, राई डालूंगी, इन दोनों को अच्छे से मैं पकने दूंगी। दोनों पक चुका है, अब इसमें मैं लाल मिर्ची डाल दूंगी 1, थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दूंगी, कड़ी पत्ता से स्वाद बढ़कर आता है। ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है इसका टेस्ट तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा हरा मिर्ची डाल दूंगी, इसको अच्छे से मैं चला लूंगी। अब मैं प्याज डाल दूंगी, फिर उसके बाद प्याज को मैं अच्छे से चलाती रहूंगी जब तक हमारा कलर थोड़ा चेंज ना हो, तब तक हम इस तरह से चलाते रहेंगे। हमारा प्याज भी भुन चुका है, अब इसमें मैं आलू डाल दूंगी। आलू को भी इस तरह से मैं चलाती रहूंगी जब तक हमें लगे कि मतलब आलू फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक हम लोग हिसाब से डालेंगे क्योंकि हमने पोहा में भी नमक डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा नमक। इसको फिर इस तरह से हम लोग चलाते रहेंगे। थोड़ा हल्दी डाल दूंगी मैं, हल्दी अपने हिसाब से डालिएगा, आपको कितना पोहा बनाना है और किस मतलब कितना आपको चाहिए। टमाटर डाल दूंगी, मूंगफली डाल दूंगी, जो हमने फ्राई किया था मूंगफली वो भी डल जाएगा। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालूंगी मैं। इसको इस तरह से हम चला देंगे, सबको सब मसाला हमारा डल चुका है। अब इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सब एक दूसरे से मिक्स हो जाए। हमारा सब पक चुका है, एक दूसरे से मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पे मटर डाल दूंगी, मटर को भी इसके साथ फ्राई कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी। फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूंगी ताकि कलर थोड़ा उभर के आए। ये देखिए, मेरा मसाला पोहा का मसाला पूरा तैयार हो गया है। इसी स्टेज पे अब हमें पोहा डाल देना है।
जो हमने नमक और चीनी डाल के रखा हुआ था उसको डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक के हम छोड़ देंगे और फिर उसी स्टेज पे हमें नींबू भी डाल देना है इसमें और फिर ढक देना है। सर्व करने से पहले धनिया पत्ता डालना है इसमें। बारीक काट काट के हमने धनिया पत्ता डाल देंगे और उसके बाद हम सर्व करेंगे। सर्व कीजिए और दही और सेव और प्याज के साथ अच्छे से खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो हमारा पोहा बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोहा रेसिपी पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आप ये घर में बनाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह से बना और कैसा बना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसे ऐसे और वीडियो लाने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।